सरकार दी बेरुखी करके पंजाब दे कॉलेजां दा हाल होया मंदा, जिस दे चलदे जॉइंट एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस पंजाब दे अहुदेदारां दी मीटिंग अमन भल्ला कॉलेज पठानकोट विच होई, जिस विच पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिहड़ी कि पिछले 5 साल तों ना मिलण कारण कॉलेजां दी माली हालत बड़ी कमजोर होण करके बैंक दा कर्जा वी नहीं मोड़ सके, जिस दे सेवा वजो अमन भल्ला कॉलेज नूं कॉर्पोरेट बैंक वल्लों सील कर दित्ता गया है। एसोसिएशन ने सरकार तो मांग की कि साढ़े बंदे पैसे दिते जान ता जो एजुकेशन बिना किसी रुकावट दे सुचारू ढंग नाल चलाया जा सके। दसनयोग है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत विद्यार्थी इन्हां कॉलेजां तो विद्या प्राप्त करके जा चुके हैं, पर सरकार वालों इन्हां कॉलेजां नूं पैसे नहीं दिते गए। मस्ताचा टाइम गुरदासपुर रिपोर्टर जी विशेष रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, जनरल सेक्रेटरी और बाकी उन्होंने नाल आए हुए पटवंते सारे का धालीवाल साहब ने अल्टीमेटम भी दे देता है। सो जिते एक बहुत ही दुख की गल सी कि भल्ला साहब के कॉलेज में ताला लाया है, उत्थे मैंने एक गल की बहुत ही खुशी भी है कि साढ़े को अज इन बाहवा कट्ठिया हो गई हैं। सो मैं भल्ला साहब को आश्वासन दवाना हाँ कि भल्ला साहब आ जोड़े 400 बंदे 500 इतने कट्ठे हुए हैं, ये ताे 800 बाहवा हैं। और एजुकेशन सैक्टर बहुत व्डा धक्का लगे, साढ़े अमन भल्ला कॉलेज के जो ताला लाया गया बैंक के वालों, वो एक साढ़े तो बहुत व्डा समझ कलंक है, क्योंकि साड़ी 17 तरीक न चीफ मिनिस्टर ऑफिस के मीटिंग हाई लैवल की एक मीटिंग हुई सी, जिदे साड़िया सारिया मंगा ते सहमति दिती सी। ये भी एक मंग सी कि साडा सर जिहड़ा पैसा हैगा वो तो NPA साडे कॉलेज होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार ने साडा 1850 करोड़ रुपया देना, उसके बावजूद भी साडे NPA होए तो साडे कॉलेजां नूं जे ताले लगते हैं उन्होंने रोकया जाए, तो सानूं आश्वासन दिता गया सी कि किसी भी कॉलेज नूं ताला नहीं लगेगा, पर उसके बावजूद अज एक महीने का समा भी नहीं होया, वो जी है ये साडा अभी तो आसवंद सी कि साडियां सारियां समस्यावां हल हो गईआं, पर सरकार ने करके सानू एक तरह नाल सुत्ती कला जगाती है। हुण असी अज इस प्लेटफॉर्म तो अज इतने संकेतक तौर तौर पर जो इकट्ठे हो के जैक वालों जो है असी ये अल्टीमेटम दिता सरकार नू, ऐलान किया कि जे 15 तरीक तो पहला जिहड़ी साडी 17 तरीक की मीटिंग हुई है उहदियां सारियां मंगां दी जिहड़ी हैगी है वो कार्रवाई ना हुई, उहदे बारे साडा पैसा रिलीज़ करन बारे कार्रवाई ना हुई, ते नाल दी नाल अमन भल्ला जी दे कॉलेज दा ताला ना खुल्लिया, तो साढ़े पंजाब के सारे का सारा जो एजुकेशन सैक्टर है वो सड़कों पर आऊगा, तो असी जो है दलित विद्यार्थियों तो फीस मंगांगे, तो फीस मंगण के कारण जो साढ़े पंजाब दे विच पढ़ते विद्यार्थी है तकरीबन 10 लाख विद्यार्थी जो हुण इस टाइम पढ़ रहे हैं, उन्होंने विद्यार्थी भी सारे मापियां समेत सड़कों पर आउणगे, तो ये सरकार की जिम्मेवारी है भी सारे कुछ नूं, क्योंकि असी अमन पसंद लोग हाँ, असी नहीं ये कुछ चाहते, असी टेबल पर बैठ के, क्योंकि असी एजुकेशन प्रोवाइडरस हाँ, असी टेबल पर बैठ के मीटिंगा करने वाले लोगों को इन्होंने जगाता है, तो जे साडे नाल इस तरह की साडी परख ना करन कि असी की कर सकते हैं। मेरी सरकार नू हाथ जोड़ के बेनती है ये गल कि सानू असी जो सरकार दे मोढ़े ना मोढ़ा ला के चलते सानू सरकार दे खिलाफ खड़न लई तैयार ना करन, साडे जोश नू परखन ना सरकार, साडियां जिहड़ियां हैगियां मंगां नू पूरा करन, ते अमन भल्ला जी दे कॉलेज तो इमीजिएटली ताला खुलवाओ। थैंक यू। अज सर जो अज प्रोग्राम है उहदे बारे दस्सो की कीता गया। अज जॉइंट एक्शन कमेटी पंजाब उन्हां दे सारे ऑफिस बेयरर और अलग अलग एसोसिएशन और कॉलेजेस के चेयरमैन आज सारे पठानकोट अमन भल्ला फाउंडेशन दे उत्ते इकट्ठे हुए ने, और मुद्दा जड़ा मेन उठाया गया कि आज कॉलेजां दी वित्तीय पोजीशन या उन्हां दी माली हालत दे बारे, और वो माली हालत इस करके कमज़ोर हुई क्योंकि सरकार दा जड़ा रवैया वो कॉलेजां दे प्रति ठीक नहीं, और पिछले 5 सालां तो कॉलेजां नूं अजे तक उन्हां दा बंदा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दा पैसा उन्हां नूं नहीं मिलिया, जिहदे कारण हर कॉलेज दी वित्तीय हालत जिहड़ी उन्हां दे माली हालात ने जिहड़ी है वो बहुत कमज़ोर है। एक पासे असीं उन्हां सरकार दी इन्हां नीतियां दे कारण साडी जिहड़ी है फाइनैंशियल कंडीशन जिहड़ी है कमज़ोर है, और दूजे पासे सरकार दा रवैया
कि सरकार का एक कोऑपरेटिव बैंक होए और सारे नाल पहला वो पहल करे पंजाब के अंदर कि तुसी अपना कॉलेज नूं सील करो या कॉलेज की प्रॉपर्टियां नूं लैंड करो। तो मैं समझना इस तो वड्डी निंदनीय कदम जिहड़ा वो सरकार नहीं उठा सकती कि सरकार उन्नी देर तक असी समझने कि उन्नी देर तक कदम नहीं उठाना चाहिए जिनी देर तक वो आप पाक दामन साफ नहीं होंगे। कहन का मतलब कि साडा बनता 1850 करोड़ जड़ा सरकार को असी लेना है जिनी देर तक वो नहीं दे देंगे। उस तो बाद जो कोई कॉलेज वाला थोड़ा जो चुकया कर्ज कि जड़ा इन्हों के कारण ही सू चुकना पाया इन्हों की जी पॉलिसिया के कारण वो नहीं अदा करते फिर इन्हों हक है कि मतलब यहोजे कदम उठा। सो असी सारे अज इकट्ठे हुए इस कदम दसन वास्ते कि सरकार साढ़े नाल की कर रही ने और मैं अपशब्द शब्दों के इस गल की निखेधी करना।